मजा नहीं आ रहा है। खामोशी। अस्सलाम वालेकुम बॉयज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो टाइटल देख के बॉयज पता लग ही क्या होगा कि आज हम क्या करवाने जा रहे हैं। सो यस बॉयज, फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग आज हम अपनी गाड़ी में एग्जॉस्ट लगा लेंगे। बड़ी देर से मैं इंतजार कर रहा था कि यार ये कब दिन आएगा जिस दिन मैं इस गाड़ी में एग्जॉस्ट लगाऊंगा। फाइनली वो दिन आ गया है, दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। एग्जॉस्ट पीछे ही पड़ा है, इसमें थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन भी करवानी है और एक दो काम हैं जो और भी करने हैं हमने, वो आपको चल के दिखाएंगे, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। अभी हम आ गए हैं उसी दोस्त के पास जिसको आपने पहले व्लॉग में देखा था, उसको साथ लेते हैं और निकलते हैं हम अपने मिशन की तरफ। हमारे दोस्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, बिल्कुल हम ज्वाइन कर चुके हैं इनको। जैसे कि आप सब भाई को जानते होंगे, थोड़ा बहुत जानते होंगे, जिन्होंने पहला व्लॉग देखा है उनको तो पता होगा ये कौन दूसरे है। में भी है यार, तो दूसरे में भी है। अच्छा हाँ, सॉरी दूसरे में भी है। निकलना हमने था 2 बजे जी, मैंने इसको कहा था 2 बजे से ढाई ना करी, इसने 3:30 कर दी। अल्लाह यार वो ना, बस ने इसकी ऑल्ट्रेशन भी करवानी है। तू मतलब रात 9-10 बजे जाने है? नहीं अभी टाइम हो गया 3:15, 1.5-2 घंटे में फ्री हो जाएगी इंशाल्लाह। 1000 रुपए में हमारे 6 चक्कर लग जाने कसम से पेट्रोल डलवाते हैं छोटे शहर के, यही तो मौजे। मीटर चेक करो, 0.00 से स्टार्ट किया ब्रो, 0 से स्टार्ट किया। दुआ कर अब रफीक बैठा हो। सलेंसर चेक करो बस भाई। कौन कौन सी हस्तियत दिखाई है? ये हमारे सुरेश भाई और ये है हमारी गाड़ी, ये भाई की शॉप है। तो यार ये पाइप है स्टेनलेस स्टील 4 इंची और इसके साथ ये एक वैरायटी, वो आपको लग के दिखाते हैं। यार ये 4 इंच का आउटलेट हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। सो बॉयज अभी हम जा रहे हैं अपने सिलेंसरों वाले भाई के पास, उनसे हमने जरा ना पाइप का थोड़ा सा हिसाब लगवाना है। हम सोच रहे हैं कि यार हम सारी ना जो सी पाइपिंग है ना वो स्टेनलेस स्टील ही करवा लें। अभी जो इस पे पाइप लगा हुआ है ना एग्जॉस्ट पे, बहुत खसी पाइप लगा हुआ है, तो हम चाह रहे हैं कि हम सारी पाइपिंग स्टेनलेस स्टील करवा लें। तो अभी हम जा रहे हैं अपने स्टेनलेस वाले भाई के पास हिसाब लगवाने, कितनी पाइपिंग होनी है वो सारा हिसाब लगा के बताते हैं, फिर जाके पाइप लेके आते हैं और उसको वेल्ड करवाते हैं और फिर देखते हैं क्या बनता है। अपना सर्विसेज बोर्ड साहब भाई, रेलवे रोड से सीधे अल्फाजों में रेलवे रोड की बैक साइड पे आ गए। मैं ना वेट मेरे घर वाले ने उधर हो गए भाई, उनते सिगरेट भी आ गया। भाई ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? हार्मफुल चीजें कोई नहीं भाई, चलना है ये मैंने तेरी अम्मा को ब्लॉग सेंड करना है ताकि वो देखें। शोर कट गया जेगा ना, इसका पाइप काफी अंदर दे के वेल्ड किया हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि ये कट जाए और ना इतना ही मोटा पाइप इसके साथ वेल्ड करके साथ पीछे पाइप। खराब करना करेंगे वो उधर से स्ट्रेट पाइप वो जो सा लगा होगा। हाँ ठीक हो गया, उसके बाद भी सारी पाइपिंग आ जाएगी टोटल। महंगा होता है, कितनी इंच की पाइपिंग करनी है? 2 इंच की बहुत है भाई, ये एग्जॉस्ट के आगे जितना पीछे से इसका इनलेट है ना, पता क्या है 2 इंच का पाइप जो होगा ना वो नीचे लगेगा और ज्यादा होगा ऐसे। ये फीक भाई ये वेल्ड करना है साथ।
नहीं नहीं इसके साथ ही हम बस इसके ऊपर इस तरह, क्योंकि हमने निकालना है इसको बाहर, तो ये बहुत बारीक है, उसकी लुक खराब होनी है। इसको वेल्ड कर दें, वो भी साथ वेल्ड करवा लेते हैं। और ये कितनी वैसे है, ये इनलेट इसका कितना है? ये दो है, ये पौने दो है, पौने दो की नहीं कर सकते पाइपिंग? पौने दो की भी, ये जितना बड़ा पाइप होगा नीचे टच होगा, गाड़ी का नुकसान होगा। ये तो ये बारीक है ना, ठीक है, तो ये नीचे टच नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ इसको काट के ना हम प्रॉपर एक दफा वेल्ड करवाएं, बिल्कुल सही है, आप चेक कर लें एक दफा। नहीं बॉस अभी नहीं, अभी कुछ नहीं करना हमने, पहले लगे लगा के लाने। अभी पाइपिंग का हमने डिस्कस किया है कि हम कर लें, हम सोच रहे थे कि 2 इंच की पाइपिंग हो जाए, बट वो कह रहे हैं कि 1.5 इंच की करके ना, तो सारी नीचे से डाउन पाइपिंग 1.5 इंच कर लेते हैं स्टेनलेस स्टील में। काम अपना लंबा ही लग रहा है, बंद कर दें उन्हें, नहीं करना। कौन सा जिम? ये वाला 10 फुट यार मैं तो सोच रहा था कि भाई खर्चा थोड़ा अपना कम हो जाएगा, पर मुझे लग ही रहा था यार अपने पैसे लग जाने हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, ध्यान ना यार, मेरी गाड़ी है तुम्हारी नहीं है भाई। मेरी गाड़ी कहीं लगी है? पहली की बात है, जब मुझे चलानी नहीं आती, जब मुझे चलानी नहीं आती थी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप क्या हाल है? क्या जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? बस आपसे ये काम पड़ गया था तो सोचा याद कर लें। क्या हुआ? और 9 जगह का रिम है, टायरों 17 इंच का स्ट्रेच करना हो जाएगा। मैं भिजवाता हूँ एक रिम, हाँ, ताकि हो जाता है फिर बाकी। ये पाइप है हमारा, एक ही खुली है। ये सीन चल रहे हैं सर, मैंने पाइपिंग लंबी है 10 इंच की, तो वैसे तो किसी ने जानी नहीं थी, तो हमने कहा यही ठीक है, बाइक पे तो हम लेके जाने से रे, और रश आपके सामने है इंशाल्लाह। क्या पता नहीं अब घर क्या बनता है, घर वाले घर से बाहर ही ना निकालते, मोहल्ले वालों को ज्यादा वक्त पड़ जाना। नहीं पड़ता, तूने मोहल्ले से आराम से निकाल ली। मैं तुझे किसने कहा? ओके, यार वो कह रहे थे रात 10 बजे भी आए हो, 9 बजे भी आए, काम करके दिया, इनकार तो नहीं किया ना। अभी गाड़ी है जी ओपन घाटे पे, साउंड सुनते हैं, दे रहे हल्की सी, दे नहीं, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है। ये हमारा रेजोनेटर बाहर आ चुका है, अब एक पीछे वाला एक होता है बॉक्स, वो उतरेगा, और ये जो स्टील की पाइपिंग है ये होगी, और फिर चस्से आएंगी। बहुत चंगा है ना मैं, बहुत चंगा ना मैं। जैन भाई डड्डू लग रहे हो इस वक्त आप भाई, काम ऐसे ही होते हैं। पता नहीं कौन से काम इसके ऐसे होते हैं। अभी ये साउंड सिर्फ पाइप देने का है, वैसी साउंड, अभी तो एग्जॉस्ट लगेगा फिर मजा आएगा। अभी तो एग्जॉस्ट लगना है यार, डीआरएस पता क्या, हाँ लिमिटर वाला खाचा है। नहीं वो
एक दोस्त तो सिर्फ हमने आसरे के लिए लगाया है, असल पाइपिंग तो हमने ये करनी थी, बट कोई बात नहीं, ये चलाते हैं कुछ दिन उसके बाद। आप ना ये सेट कर लें, अब मैं चाहता हूँ इधर करके आ जाए। आप देखें इस तरह क्या टेढ़ा कहते कर लूं। थोड़ा सा ये है, ये जो है ना, हाँ जी अच्छा भी नहीं लगे ये वाला, साउंड खराब करेगा। अगर कहेंगे मैं समझ गया हूं, टांके लगा दूंगा। ये देखें ये टेप अंदर चल जाती है, ये इतना लग गया, ठीक है। ये देखें इसको नीचे लाएगा ऐसे, ये थोड़ा सा और पीछे करें, ये थोड़ा सा पेपर पे किट तो हमें थोड़ी सी काटनी पड़ेगी। किट नहीं काटेंगे आप, किट तो काटनी है, थोड़ी सी बिलाई बनाए किट की ताकि ना ये थोड़ा सा ऊपर बैठ जाए इनका, क्योंकि यार ये तो बहुत छोटा है, ये तो वैसे मुझे बुरा लगता है, ये तो सिर्फ आसरे के लिए लगा रहा हूँ मैं। बैक ही करी जाना है, हाँ इधर से बस अंदर से कटना है। कहते हैं तो काट देते हैं, कटनी नहीं ना, कटनी नहीं, कटनी किस तरह कटेगी बेटा, ये स्टेनलेस स्टील है, ये उससे कटेगी, कट ग्राइंडर से कट जाएगी। हाँ तो एग्जॉस्ट कट चुका है, अब आगे ये वेल्ड होगा इसके और ये फिर पूरा बन जाएगा एक प्रॉपर एग्जॉस्ट। क्या रिव्यूज हैं भाई, मास्टरमाइंड कौन सीधा पाइप जा रहा है जी इनटू दिस। लग गया सिलेंसर, चेक करो आवाज। बॉयज फाइनली एग्जॉस्ट लग चुका है और गाड़ी अलहमदिल्ला हमारी स्ट्रेट पाइप हो गई है। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ी सी आवाज़ सुना देता हूँ इस पर, अभी हम खड़े हैं सिग्नल पे, तो यार हम आपको भी आवाज़ सुनाते हैं थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं सुना सकेंगे पर जितनी हो सके, क्योंकि आपको पता है रोड की सूरत हाल कुछ ये है और रश भी है और हम रैश ड्राइविंग को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते। बाहर सुनने को क्या मिल रहा है, हाँ बेहतरीन है। असल में यार हमारी हमारी एक्साइटमेंट उतनी लेवल पे नहीं थी जो लाइफ में फर्स्ट टाइम एग्जॉस्ट लगाते हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ें पहले भी एक्सपीरियंस की हुई हैं। साहिवाल में जो जिस शहर में हम रहते हैं, इधर लोग कहते हैं कि यार वो बेंड नहीं होता, एक तो वो हार्ड होता है तो वो बहुत मुश्किल है उसकी फिटिंग, पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो चुका है और मजा भी आ रहा है। मेरे पास सिविक होती थी 2005 मॉडल ES ब्लू कलर की, तो उसमें भी बॉयज एग्जॉस्ट था, वो भी हमने तकरीबन साल डेढ़ स्ट्रेट पाइप रखी है, तो इसलिए हमें ना वो वाली एक्साइटमेंट नहीं थी, बट थी।
सो बॉयज आज का व्लॉग करते हैं जी इधर ही एंड। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में सब में आपको यही आवाज़ सुनने को मिलेगी। भाई को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। ठीक ना? ओए दाढ़ी ने खराब ये इधर कर ले। इधर ठीक है। हम ना जरा किट के हिसाब से रख रहे हैं। मसला ये उस वक्त मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी। मेरा तुझे अब भी नहीं चलानी आती बेटे। फ्री हो रहा बैटरी भी लो ही जा रही है।